बैक टू माई चैनल। और किचन में मैं आई थी और मुझे बनाना है पनीर भुर्जी, तो सोचे कि थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं तो ब्लॉग भी नहीं बन पाएगा, पनीर भुर्जी भी बना रही हूँ तो इसके साथ ही ब्लॉगिंग भी कर लिया जाए। तो कुछ नहीं, मैं पनीर काट के रख ली हूँ, प्याज काट के रख ली हूँ और कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ाती हूँ और फटाफट से पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। बन रही है मेरे इस ब्लॉग में। और पनीर भुर्जी बनाने के लिए पहले गैस को ऑन करेंगे। आप लोग को नहीं पता था ना, चलो मैं बता दी। और प्लीज कढ़ाई को ना देखा जाए, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है जिसका कलर चेंज हो चुका है। पनीर भुर्जी बन रहा है तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई होगी। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसके अंदर डालते हैं तेल। तो हमें थोड़ी सी पनीर भुर्जी बनानी है, ज्यादा बनानी नहीं है, तो थोड़ी सी तेल डाली हूँ मैं। मैं सरसों तेल डाली हूँ, आप लोग किसी भी चीज में, कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। और तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम जीरा। तो जीरा चला गया है तेल के अंदर। आप सबको मैं पहले दिखा देती हूँ। टिंग 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 टिंग, जीरा जलने लगा है यार, तो ये मैं डाल देती हूँ। ये है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जिसका पेस्ट आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं कटिंग करके डाल दी हूँ इसके अंदर। और इसके साथ ही, ताकि लहसुन ज़्यादा ना जले, प्याज भी तुरंत डाल देंगे हम। बस इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा डला गया है, कढ़ाई के अंदर चला गया है। इसको करते हैं हम फ्राई, तब तक टमाटर भी काट लेती हूँ। प्याज हम लोग फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। टमाटर भी मैं काट के रख ली हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। तो गाइस प्याज हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। आप सबको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो गया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। तो गाइस प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। इसमें जाएगा पहले धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दो। उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, इसमें जाएगा लाल मिर्च, और ये क्या कोई मसाला है, मम्मी रखी है याद नहीं है, डाल देते हैं। इसमें जाएगा हल्दी, और बस ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालेंगे। ऑलमोस्ट जो सभी मसाले सब्जियों में पड़ते हैं वही डाली हूँ मैं। और इसमें जल्दी से डाल देते हैं टमाटर, नहीं तो मसाले हमारे चल जाएंगे। Thank you.
इसके साथ ही टमाटर गलने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो नमक चला गया है, नमक मैं डाल दी, टमाटर भी जल्दी गल जाएगा। तो टमाटर को थोड़ी देर पकने देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से कौन उठा के बैग के अंदर करती हूँ। बस होने ही वाला है टमाटर, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, पक जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें पनीर डालेंगे। तो गाइस आपको दिखा दूँ कि टमाटर ऑलमोस्ट हमारा पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर, थोड़ा सा और इसको बारीक काट लेते हैं। तो गाइस अब इसके अंदर हम लोग पनीर ऐड कर देते हैं, हाफ का इस्तेमाल करते हैं नहीं तो गिर जाएगा पनीर इधर उधर। आप लोग उसको पनीर को क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट ली हूँ एकदम बारीक बारीक, आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी पनीर, मैं ज़्यादा छोटा नहीं की हूँ। तो बस मेरी पनीर भुर्जी रेडी है, और इसके अंदर हम थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे धनिया पत्ती ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मैं धनिया पत्ती इसके अंदर डालूँगी। हमारा पनीर भुर्जी रेडी है, इसके अंदर धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो बस हमारी पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है, है ना आसान रेसिपी। ये आप लोग देख सकते हैं, अरे यार हैं कि बिल्कुल रेडी हो गई है पनीर भुर्जी। आप लोग इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करके डाली हूँ। और बस इसको रोटी के साथ खा लेंगे, पराठे के साथ खा लेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं। मेरी कोई रेसिपी है नहीं, मतलब कि मेरी रेसिपी मतलब मैं बनाती हूँ अपने तरीके से, आप लोग चाहे तो अपने तरीके से बना सकते हैं, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मेरे वीडियो को, और शेयर भी कर दो अगर किसी को अच्छी लगी हो तो, किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इसके साथ ही अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। दिखा दे, टेस्ट तो की नहीं कि कैसा है, दिखाओ टेस्ट करके। सेकंड गरम है, ठीक है ठंडा हो जाएगा, उससे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ।